हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो रीनो 10 5G फ़ोन है, तो ओप्पो रीनो 10 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट वगैरह को चेंज कर सकते हैं ओप्पो रीनो 10 5G फ़ोन में, और रिफ्रेश रेट वगैरह को कैसे आप बदल सकते हैं ओप्पो फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप ओप्पो रीनो 10 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर अपने फ़ोन में रिफ्रेश रेट को चेंज कैसे कर सकते हैं और रिफ्रेश रेट को कैसे बदल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास आता है ऑप्शंस, तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया। सिंपली आपको इस पे जाना है, आइकन्स शो करना है, स्वाइप स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स पे चले जाना है, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन आता है कैसे आप पावर बटन की एंड कॉल ऑप्शंस को, सॉरी, रिफ्रेश रेट को कैसे चेंज करेंगे। तो आपको सर्च करना है रिफ्रेश रेट, तो रिफ्रेश रेट सेटिंग्स को ओपन करना है और रिफ्रेश रेट को आप यहां से चेंज कर सकते हैं। सिंपली ऑन करते हैं तो रिफ्रेश रेट आपके फ़ोन में शो हो जाएगा, जहां से रिफ्रेश रेट को आप शो कर सकते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं कि रिफ्रेश रेट को आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, यहां से शो करना चाहें डिस्प्ले पर, शो भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। और ऑफ़ करते हैं तो आप बैक करके जैसे डिस्प्ले सेटिंग्स पे भी जाते हैं, तो डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर भी रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं। आपको डिस्प्ले पे जाना होगा, डिस्प्ले पे जाकर जो भी रिफ्रेश रेट आप चेंज करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, तो रिफ्रेश रेट को आप चेंज कर पाएंगे यहाँ से। क्योंकि अगर आपके सेटिंग्स में रिफ्रेश रेट शो हो रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं, अगर शो नहीं हो रहा है तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से रिफ्रेश रेट वगैरह को चेंज कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।